हाय गाइस, वेलकम टू टुडेज, जहां हम कराते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से आपका डायरेक्ट कनेक्शन। मैं हूं सपना और आज हम बात करेंगे अक्षय कुमार और अजय देवगन की फिल्म सुहाग के बारे में। सुहाग उस टाइम की सबसे बड़े हिट में से एक शामिल हुई थी। ये फिल्म लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। वैसे भी अजय देवगन और अक्षय कुमार की जोड़ी ने लोगों के दिल पे काफ़ी राज किया है। बता दें कि खबरें हैं कि जल्द ही सुहाग 2 की खबर भी आ सकती है, यानी कि जल्द ही सुहाग 2 को लेकर भी कोई अपडेट आ सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि फिल्म की स्टोरी काफ़ी अच्छी थी। बताते हैं आपको कि क्या थी इस फिल्म की कहानी। सुहाग 2 में अक्षय कुमार और अजय देवगन दोनों के ही पिता डॉक्टर थे और अक्षय कुमार के पिता ने अजय देवगन के पिता को मानव तस्करी के काम में फंसा दिया था, जबकि वो खुद ह्यूमन ऑर्गन्स को बेचने का काम करते थे। ये बात जब अजय देवगन को पता चली तो उन्होंने अक्षय कुमार को बताने की कोशिश की, लेकिन अक्षय इस बात को नहीं मानते और दोनों में झगड़ा हो जाता है। उसके बाद अक्षय कुमार के पिता अजय देवगन के ही ह्यूमन ऑर्गन्स को बेचने की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन तभी अक्षय कुमार एंड टाइम पे आके अजय को बचा लेते हैं और उसके बाद फिर दोनों मिलके कोर्ट भी जाते हैं और फिर इस कहानी का फैसला होता है। फिल्म को लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था। फिल्म की कहानी भी काफ़ी अच्छी थी। देखते हैं कि सुहाग 2 की ये कहानी कितनी अच्छी होती है। इनसे जुड़ी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।